أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم I am Assistant Professor Akif Maqsood Hashmi BCHS Foundation Boys College Today I discuss the topic Galilean Telescope from first year physics chapter 10 Geometrical Optics लास्ट टाइम जैसे हमने बताया था कि टेलीस्कोप लॉन्ग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यूज होती है तो बेटा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के मुकाबले में गैलीलियन टेलीस्कोप की क्यों ज़रूरत पेश आई बेटा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में जो फाइनल इमेज बनती है वो इन्वर्टेड इमेज होती है और उसको इरेक्ट करने के लिए हमें इरेक्टिंग लेंस की ज़रूरत पड़ती है गैलीलियन टेलीस्कोप में हमारे पास जो फाइनल इमेज बनती है वो इरेक्ट बनती है तो इसके लिए इरेक्टिंग लेंस की ज़रूरत नहीं होती इसे गैलीलियन टेलीस्कोप क्यों कहते हैं बेटा इसे 1906 में गैलीलियन नामी साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया था इस वजह से इसका नाम गैलीलियन टेलीस्कोप रखा गया एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज फॉर टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज नोन एज गैलीलियन टेलीस्कोप बेटा हमारे चैप्टर 10 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हमने पढ़े उसमें ये वाहिद इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसकी कंस्ट्रक्शन में हम डाइवर्जिंग लेंस यूज करते हैं इसके अलावा आप जितनी भी इंस्ट्रूमेंट हमने यूज़ किए उसमें ज़्यादातर कन्वर्जिंग की बात की गई है इसमें डाइवर्जिंग लेंस होता है ये कंस्ट्रक्शन के दबार से एक कन्वर्जिंग और एक डाइवर्जिंग लेंस पर मुश्तमिल होती है कन्वर्जिंग लेंस टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाता है इस वजह से इसको हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं जबकि आईपीस के तौर पर हमारे पास डाइवर्जिंग लेंस यूज़ किया जाता है कॉनकेव लेंस यूज़ किया जाता है बेटा डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से जो रेज ऑफ लाइट आती हैं वो आपस में पैरेलल कंसीडर की जाएंगी और डिस्टेंस ऑब्जेक्ट तो डिस्टेंस हमने इन्फिनिटी सपोज किया हुआ है तो रेज ऑफ लाइट में जो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस में मौजूद हैं उनसे जो आ रही हैं वो आपस में पैरेलल होंगी कन्वर्जिंग लेंस से गुजरने के बाद एक सिंगल पॉइंट पर फोकस करेंगी और इमेज बनाएगी ये इमेज आईपीस के लिए एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ की जाएगी बेटे बनने वाली इमेज जो है वो कन्वर्जिंग लेंस यानी ऑब्जेक्टिव लेंस से फोकल लेंथ डिस्टेंस पर मौजूद होगी यानी इस इमेज का ऑब्जेक्टिव लेंस से जो डिस्टेंस होगा वो फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस की इक्वल होगा बेटा आईपीस हम इस तरीके से यूज़ करते हैं कि आईपीस ऑब्जेक्टिव लेंस और इमेज के दरमियान मौजूद होता है ये इमेज आईपीस के लिए एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ की जाएगी हम आईपीस को इस इमेज के साथ ऐसे सेट करते हैं कि इनके दरमियान डिस्टेंस जो होता है वो फोकल लेंथ ऑफ आईपीस के इक्वल होता है जो फाइनल इमेज बनती है वो इरेक्ट इमेज होती है और इनफाइनाइट डिस्टेंस पर फोकस कर रही होती है क्योंकि रेज ऑफ लाइट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से आ रही है आपस में पैरेलल हैं ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो इन्फिनिटी है तो कन्वर्जिंग लेंस से गुजरने के बाद जो इमेज बनेगी वो एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस पे बनेगी और तो ऑब्जेक्टिव लेंस से इमेज का डिस्टेंस जो होगा वो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस की इक्वल होगा बेटा विदाउट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स अगर हम एंगल ऑफ विजन की बात करें तो उसे हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं टेंजेंट थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी डायग्राम में अगर हम देखें तो अल्फा आपके पास जो एंगल है वो आई से बनने वाला एंगल है जो विदाउट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कंसीडर किया जा रहा है तो बेटा टेंजेंट अल्फा आपके पास एच अपॉन क्यू वन के इक्वल हो जाएगा और क्यू वन एफ नॉट के इक्वल है और अल्फा एंगल ऑफ विजन है इसकी वैल्यू बहुत स्मॉल होती है तो टेंजेंट अल्फा को हम अल्फा से रिप्लेस कर सकते हैं तो अल्फा की वैल्यू आपके पास एच ओवर एफ नॉट होगी बेटा ये जो इमेज है वो आईपीस के लिए एज ए ऑब्जेक्ट यूज की जाएगी और आईपीस को इमेज और ऑब्जेक्टिव लेंस के दरमियान इस तरीके से यूज करते हैं कि आईपीस का इमेज से डिस्टेंस फोकल लेंथ ऑफ आईपीस के इक्वल होता है फाइनल इमेज इनफाइनाइट डिस्टेंस की तरफ जा रही है तो बेटा आपके पास फाइनल इमेज का डिस्टेंस इन्फिनिटी और ऑब्जेक्ट एज ए ऑब्जेक्ट अगर आप इमेज की बात कर रहे हैं आईपीस के लिए तो वो डिस्टेंस फोकल लेंथ ऑफ आईपीस के इक्वल हो जाएगा बेटा टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल है यहाँ पर हम थीटा को बीटा से रिप्लेस कर रहे हैं बीटा एंगल ऑफ विजन कहलाता है विद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट तो बेटा यहाँ पर बीटा की वैल्यू आपके पास एच ओवर एफ ई के इक्वल हो जाएगी बेटा लेंथ ऑफ गैलीलियन टेलीस्कोप
लेंथ ऑफ टेलीस्कोप के लिए हमने लास्ट टाइम भी कहा था कि दो लेंसेज के सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम लेंथ ऑफ टेलीस्कोप कहते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो Q1 माइनस P2 के इक्वल हो जाएगा। Q1 हमारे पास F0 के इक्वल है और P2 FE के इक्वल है। तो फिर आपके पास लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप जो होती है वो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस के डिफरेंस के इक्वल होती है। बेटा गैलीलियन टेलीस्कोप का एक एडवांटेज ये भी है कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के मुकाबले में इसका साइज यानी लेंथ क्या होती है, स्मॉल होती है। बेटा मैग्नीफाइंग पावर ऑफ गैलीलियन टेलीस्कोप, बेटा मैग्नीफिकेशन एंगुलर मैग्नीफिकेशन रेशियो होती है एंगल ऑफ विजन विद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और एंगल ऑफ विजन विदाउट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी, यानी बीटा अपॉन अल्फा। बीटा की वैल्यू एच ओवर एफ ई की इक्वल थी और अल्फा की वैल्यू एच ओवर एफ नॉट की इक्वल थी। बेटा अब सॉल्व करने के बाद हमारे पास मैग्नीफिकेशन इन टर्म ऑफ फोकल लेंथ निकालेंगे तो आपके पास रेशियो बिटवीन फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव और आई पीस की इक्वल होगी। बट एंगल ऑफ मैग्नीफिकेशन ऑफ गैलीलियन टेलीस्कोप ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ के बढ़ाने से और आईपीस की फोकल लेंथ के डिक्रीज करने से क्या इंक्रीज कर रही होती है। फिर इस फॉर्मूले को इन टर्म ऑफ पावर अगर कन्वर्ट करें तो फोकल लेंथ और पावर एक दूसरे के रेसिप्रोकल होती है, तो एफ नॉट की जगह 1/P0 लिख सकते हैं और एफ ई की जगह 1/P। बाय सॉल्विंग मैग्नीफिकेशन ऑफ गैलीलियन टेलीस्कोप इक्वल होती है P/P0 के, यानी पावर ऑफ द आईपीस की इंक्रीज करने से और पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव के डिक्रीज करने से मैग्नीफिकेशन इंक्रीज कर जाएगी। बट एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के मुकाबले में गैलीलियन टेलीस्कोप का एडवांटेज ये है कि एक तो इसका साइज स्मॉल होता है और दूसरी फाइनल इमेज इरेक्ट इमेज बन रही होती है। फिर इस पूरी डिस्कशन के बाद आप लोग इस काबिल हो चुके होंगे कि आप गैलीलियन टेलीस्कोप की वर्किंग, उसकी मैग्नीफिकेशन और उसकी कंस्ट्रक्शन को समझ सके। थैंक यू।